नमस्ते, मैं डॉक्टर बीनू बात कर रही हूँ, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड लैप्रोस्कोपिक गायनेकोलॉजिस्ट यूनिटेस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से। आज हम जानना चाहेंगे कि किन पेशेंट्स को हम लोग सिजेरियन सेक्शन के बाद भी नॉर्मल डिलीवरी दे सकते हैं। मेरे पास कई पेशेंट्स आते हैं जो पूछते हैं कि पहला मेरा सिजेरियन हुआ है कि अगली बार हम लोग का नॉर्मल डिलीवरी हो सकता है कि नहीं। इसका आंसर की है डेफिनेटली हो सकता है, पर कुछ पॉइंट्स हैं जो ध्यान में रखने हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका सिर्फ एक ही सिजेरियन सेक्शन हुआ होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये है कि किस लिए आपका पहला सिजेरियन हुआ। अगर आपका पहला सिजेरियन बेबी का हार्ट बीट कम होने की वजह से हुआ है, जैसे पानी का लेवल कम होने की वजह से हुआ है, या तो अबनॉर्मल पोजिशन की वजह से हुआ है, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं। पर आपका पहला सिजेरियन अगर आपका पेल्विस बहुत छोटा है, या तो सिजेरियन बहुत डिफिकल्ट हुआ था, एक्सटेंशन ऑफ स्कार हुआ था, फाइब्रॉइड रिमूवल सर्जरी हुआ है, तो वीबैक ट्राई नहीं करना चाहिए। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि 2 साल का गैप हो तो अच्छी बात है, और अगर आप वीबैक ट्राई कर रहे हैं तो मेक श्योर कि आपका वेट और वजन ज़्यादा ना बढ़े प्रेगनेंसी में। और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आप वीबैक ट्राई कर रहे हैं तो उस हॉस्पिटल में 24/7 सिजेरियन सेक्शन होने का फैसिलिटी होना चाहिए, जिसमें एनेस्थेटिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट और पीडियाट्रिशियन अवेलेबल हो, क्योंकि वीबैक करते वक्त कभी भी स्कार होकर ओपन होने का चांस होता है, जिसके वजह से बेबी का हार्ट बीट कम हो जाएगा और आपका डॉक्टर शायद बोलेगा कि इमरजेंसी सिजेरियन चाहिए। थैंक यू।